हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू अरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री, और इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, प्लस वन क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। ओके, यहाँ पे हम सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन देखिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको करवाती हूँ, कॉनिक सेक्शन। डेफिनेशन देखिए कॉनिक सेक्शन की, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स लिख लिया है भाई, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो। ओके, अब यहां पर समझते हैं हम लोकस। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो लोकस का मीनिंग होता है पाथ। एक पॉइंट प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से कांस्टेंट रेशियो में रहना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, ये मैंने लेती हूँ वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने कोई कर्व लिया, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ एंड दिस इज अ फिक्स पॉइंट। ये जो पॉइंट हमने लिया है दिस इज अ फिक्स पॉइंट, हमने इसको मीट किया है यहाँ पे, पी पॉइंट ले लेते हैं हम ये, और इसको हमने मीट कर लिया है इस पॉइंट पे। एंड फ्रॉम ए फिक्स लाइन बोला गया है तो हम यहाँ पे कोई फिक्स लाइन ले लेते हैं। ठीक है, फिक्स लाइन, इस पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, दोनों का अगर रेशियो लेते हैं वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट रेशियो आना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, फ्रॉम पी पॉइंट से फिक्स लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड दिस इज अ ओरिजन, ये मैंने पॉइंट ले लिया है एम। ओके, यहाँ से आपको इसको अगर मीट करते हैं तो परपेंडिकुलरली ही आपको मीट करना है, यानी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए हमारा, और ये पॉइंट ले लेती हूँ मैं एस। अब समझते हैं हम कॉनिक सेक्शन कैसे बनता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, यानी कि ये पॉइंट इस तरह से मूव करेगा यहाँ पे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट से, ये हमने कोई फिक्स पॉइंट लिया है यहाँ पे, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, डिस्टेंस ऑफ दिस इज पी एम एंड पी एस। अगर दोनों डिस्टेंस का रेशियो लेती हूँ तो वो क्या आना चाहिए, एनी कॉन्स्टेंट रेशियो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एम रेशियो पी एस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज अ कॉन्स्टेंट रेशियो, और कॉन्स्टेंट रेशियो को हम ई ले लेते हैं, और यही हमारा एसेंट्रिसिटी होती है। अगर आपने पैराबोला हाइपरबोला में अगर देखा हो या इलिप्स में, तो इसी इस पर डायग्राम, इस डायग्राम पे बेस्ड, यानी कि इसी रेशियो पे बेस हम निकालते हैं कि पैराबोला बनेगा इलिप्स बनेगा, यानी एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। अगर एसेंट्रिसिटी हमारी वन होती है देन पी एम इक्वल टू पी एस, तभी हम कहते हैं कि सेंटर ओरिजिन से जो हमारा पैराबोला का जो फोकस, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ओके, ये फोकस होता है, और इसको आप क्या बोलोगे, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होती है। ओके, और ई इज असेंट्रिसिटी, ई को आप जो बोलते हैं ये होती है असेंट्रिसिटी। तो ये इसी ई पे डिपेंड करेगा, अगर ई लेस देन वन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, इलिप्स बनता है। ओके, ई अगर इक्वल टू वन होता है देन पैराबोला बनता है, और ई ग्रेटर देन वन होता है देन हाइपरबोला बनता है। ये सारे कॉनिक होते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो, यानी कॉन्स्टेंट रेशियो में होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे कॉनिक सेक्शन, या फिर आप कॉनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। चलिए,
पहला आर्टिकल है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक सेक्शन। जो जनरल इक्वेशन होती है सेकेंड डिग्री की वो हमेशा कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला पैराबोला या इलिप्स जो हो किस केसेस में बनते हैं, अभी आपको यहीं पे वो डिराइव करना है, ठीक है। और ये एग्जाम में आ जाते हैं आर्टिकल, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको करवा रही हूँ। देखिए 2 डिग्री की अगर हम निकालेंगे, सेकेंड डिग्री की अगर हम लेते हैं जनरल इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 HXY प्लस BY² प्लस 2GX 2FY प्लस C=0, ठीक है। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है इन 2 डिग्री। नाउ अब हमें क्या करना है कि जो भी आप कॉनिक सेक्शन बनाते हैं यानी इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला जो भी बनते हैं सर्कल जो भी कॉनिक होता है आपके पास, उसमें जो x इंटू वाई की टर्म नहीं आती, ओके okay? तो हमें यहाँ से क्या करना है, x इंटू वाई यानी इस टर्म को रिमूव करना है यहाँ से, ओके okay? देन अगर रिमूव करेंगे हम तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्सिस है एट द ओरिजन उनको हम रोटेट कर लेते हैं एट एंगल थीटा, ओके okay? टू गेट रिड ऑफ टर्म एक्स वाई वी हैव टू रोटेट द एक्सिस अबाउट ओरिजन थ्रू एंगल थीटा। देन वी हैव एक्स को हम किसमें रिप्लेस करेंगे, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एंड वाई इज एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ओके। देन पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इन एक्स और वाई की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, ओके okay? क्योंकि हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं एंगल थीटा पे एक्सिस को रोटेट करके, ओके okay? तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे x cos थीटा माइनस y sin थीटा स्क्वायर 2h इंटू एक्स cos थीटा माइनस y sin थीटा इंटू x sin थीटा प्लस y cos थीटा। नेक्स्ट टर्म इज प्लस BY² यहाँ पे लिख देते हैं, पुट इन फर्स्ट। Then we have b into y की वैल्यू x sin theta plus y cos theta and 2g into x, x is x cos theta minus y sin theta और 2f into, यहाँ पे आप y की वैल्यू रखेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा ये, ब्लैक बोर्ड इस पर आएगा भी नहीं, व्हाइट बोर्ड पे x sin theta plus y cos theta और लास्ट में आपके पास C=0। अब यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स यहाँ से a माइनस b का स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर है b इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे एंड पूरी जो आपके पास टर्म है वहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा जब आप इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल अलग कीजिए, वाई स्क्वायर के अलग कीजिए एंड एक्स वाई की टर्म अलग से निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म हम अलग लेते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट अलग कर लिया हमने, वो यहाँ पे एक्स वाई का कॉफिशियंट मिल गया हमें एंड यहाँ से वाई स्क्वायर, तो पूरी टर्म आपको सॉल्व करनी पड़ेगी वहाँ से और इनके सबके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स वाई सबकी टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड। अब हमें क्या करना था, वो टर्म हमें यहाँ से रिमूव करनी है जो एक्स वाई एक्स इंटू वाई टर्म होगी, तो एक्स इंटू वाई हमारे पास ये है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ दैट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, देन वी पुट कॉफिशियंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें x x इंटू वाई की टर्म को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसका जो कॉफिशियंट है उसको आप जीरो पुट कर दीजिए, कॉफिशियंट क्या है यहाँ से x इंटू वाई इस टर्म को छोड़ के बाकी सारे सब कॉफिशियंट है 2 इंटू एच
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए माइनस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ओके, टू थ्रू आउट हमारे पास कॉमन है, इस टू को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू यहाँ पे आ जाएगा एंड टू यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टू एच इंटू कॉस टू थीटा का माइनस यहाँ पे ए माइनस बी टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज अ साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू हम बना सकते हैं यहाँ से, टू एच कॉस टू थीटा इक्वल टू ए माइनस बी साइन टू थीटा। राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, ये आ जाएगा टू एच अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू साइन टू थीटा बाय कॉस टू थीटा एंड दिस इज टेंजेंट टू थीटा। ठीक है, ये थीटा हमारे पास कब आया, जब हमने एक्स इंटू वाई टर्म को यहाँ से एलिमिनेट किया है। ठीक है, देन जो इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास, दिस इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड बिकम्स कब, हमारे रिजल्ट कब आया है, जब हमने एक्स इंटू वाई टर्म को यहाँ से रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो हम इक्वेशन हमारे लिख बना बन सकती है ए इंटू एक्स स्क्वायर बी, पहले एक्स बी वाई स्क्वायर, कैपिटल ए भी लेके चलेंगे हम, टू जी एक्स ये भी आप कैपिटल लेंगे क्योंकि पूरी की पूरी टर्म ही यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक्स इंटू वाई टर्म थी यहाँ पे जनरल इक्वेशन में, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी और इसको आप लेके चलेंगे ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस कैपिटल सी इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, अब हम केस डिस्कस करते हैं कि ये जो नई क्वेश्चन आई है हमारे पास किस केस में पैराबोला बनेगी, किस केस में हाइपरबोला एंड किस केस में एलिप्स बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला केस है, केस फर्स्ट इज दिस कांस्टेंट, यहाँ पे ए बी जी एफ एंड सी दीज आर द कांस्टेंट। ओके, पहला केस हम लेके चलते हैं ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दोनों ही जो है आपके पास वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल टू जीरो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स एक्स की टर्म है उनको इकट्ठा लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर टू जी एक्स, सेम बी वाई स्क्वायर टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स का जो मल्टीपल होता है उसका हाफ करके उसके स्क्वायर को ऐड करते हैं एंड सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर का ये जो कॉफिशेंट है ए यहाँ पे आप वन बनाइए, दैट मीन्स हम यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जी बाय ए इंटू एक्स। पहला काम तो ये कीजिए आप, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे टू एफ बाय बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर टू जी बाई ए इंटू एक्स प्लस इसका हाफ करेंगे जी बाई ए रह जाएगा जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही ऐड करेंगे और यही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ गए, तो ये बन जाएगा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एंड सेम टू सेम यहाँ पे करते हैं बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू एफ बाई बी इंटू वाई प्लस एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऐसे इसी स्टेप को हम माइनस कर देंगे और प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ए इंटू किसका स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे एक्स माइनस एक्स सॉरी प्लस जी बाय ए स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को अगर हम देखेंगे तो एक्स प्लस जी बाय ए का स्क्वायर बन रहा है। ओके, एंड माइनस जी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी इंटू यहाँ से स्क्वायर बनेगा वाई प्लस एफ बाय बी माइनस एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जी। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हम ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू एक्स प्लस जी बाय ए स्क्वायर, ए के आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो एक एक कैंसिल कर देगा यहाँ से। ओके, और इस कांस्टेंट को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो इसके बाद मैं ये स्टेप लिख रही हूँ
प्लस बी इंटू, यहाँ पे भी बी से मल्टीप्लाई करना है, एफ बाय बी स्क्वायर माइनस बी की आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बी कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, जितने भी कांस्टेंट हैं, क्या कांस्टेंट है, सबसे पहले तो आप ये माइनस का है, राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा, जी स्क्वायर बाय ए, यहाँ से बी की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा एफ स्क्वायर बाय बी और यहाँ से आ जाएगा माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे इसको हम के पुट कर लेते हैं, ए इंटू एक्स प्लस जी बाय ए स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस एफ बाय बी स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल के, ये जो राइट साइड पे जितना भी कांस्टेंट है उसको हम ले लेते हैं स्मॉल के। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास एक्स प्लस जी बाई है, यानी क्या सेंटर कितना है, माइनस जी बाई ए एंड वाई माइनस करेंगे हम, ये ई नहीं है ये एफ है, दिस इज एफ। ओके, माइनस जी बाई ए एंड माइनस एफ बाई बी, अब यहाँ पे इसको मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर देती हूँ, देन पॉइंट क्या आएगा यहाँ से, सिर्फ द जो पॉइंट माइनस जी बाई ए एंड माइनस एफ बाई बी। ठीक है, शिफ्टिंग ओरिजिन टू द पॉइंट, जो भी आपके पास यहां से आ रहा है पॉइंट, एक्स माइनस ए फॉर्म में होता है ना, अगर एक्स माइनस ए स्क्वायर तो हमारा ए ये पॉइंट माना जाता है, समझ गए, वाई माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए और बी दिस इज सेंटर। ठीक है, तो इसको हम ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट क्या आएगा, माइनस जी बाई ए, बिकॉज यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस जी एफ बाय बी, सेकेंड है माइनस एफ बाय बी। इसको अगर मैं ओरिजिन पे शिफ्ट करती हूँ तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है, दिस इक्वेशन बिकम्स ए इंटू स्मॉल एक्स में है, जैसे आप ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे एक्स से चेंज हो जाएगा, ये मैं कैपिटल ले लेती हूँ। ठीक है, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू के कांस्टेंट ले रखा है, क्लियर, यहाँ पे हमने के कांस्टेंट लिया राइट हैंड साइड पे, जितना भी कांस्टेंट था, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम फोर्थ, थर्ड इक्वेशन तक यूज़ कर चुके हैं, ये इक्वेशन फोर्थ लेते हैं हम। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर दिस एक, इसको मैं लिख सकती हूँ वन बाय ए, जैसे मैं न्यूमरेटर के पास लेके जाए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन वन बाय बी इक्वल टू के। ओके, देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन के को आप इधर ला सकते हैं, या फिर पहले के को सॉल्व कर लीजिए आप, कैसे भी पहले हम के को सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको लेके आएंगे इधर, इसको मैं लिख सकती हूँ ए एक्स स्क्वायर बाय के प्लस बी वाई स्क्वायर बाय के इक्वल टू वन, जैसे आप एलसीएम लेंगे वापस हमारा के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हम ए को लेके जाएंगे, यानी ए को मैं लिख सकती हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन के बाय ए। ओके, ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन के बाय बी इक्वल टू वन। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि अगर कांस्टेंट की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यू प्लस है तो इलिप्स बन रहा है, अगर ऑपोजिट साइन आ रहा है तो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ये केसेस आपको डिस्कस करने हैं। ओके, अगर यहाँ से देखिए ये दोनों कांस्टेंट, फर्स्ट केस के बाय ए एंड के बाय बी बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इलिप्स। अंडरस्टैंड, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, है ना, तो यहाँ से अगर एक आपके पास नेगेटिव साइन में आ जाता है, अगर के बाय ए और के बाय बी अपोजिट साइन के होंगे, सेकेंड k by a and k by b of opposite sign, then ये equation fifth ले लीजिए आप, equation ये equation fifth ही represent कर रहा है। ओके, equation fifth represent hyperbola, अगर एक माइनस का हो जाता है एक प्लस का तो हमारे पास हाइपरबोला होता है, ये भी तो हाइपरबोला ही होता है ना, ये एक्सिस पे डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस बन रहा है वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो
दोनों में से एक माइनस होना चाहिए तो ये हाइपरबोला इक्वेशन देता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जिसमें ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है बट साइन ऑपोजिट होते हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है और यहाँ से आप एलसीएम लेके राइट साइड पे ले जा सकते हैं अगर यहाँ से देखें तो, और यहाँ माइनस शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। ओके, तो यहाँ इस केस में डिस्कस करते हैं हम, अगर थर्ड केस कहता है के बाय ए एंड के बाय बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, अगर ऑपोजिट साइन के होंगे और एक मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे देन इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट करेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, एंड फोर्थ इज अगर दोनों नेगेटिव हो जाए देन के बाय ए एंड के बाय बी बोथ आर नेगेटिव देन इक्वेशन 5 becomes imaginary ellipse. Imaginary ellipse. Okay. और अगर यहाँ पे k by a and k by b, k जो constant है यानी कि this k, अगर ये zero हो जाता है then क्या value आती है, ठीक है। fifth case हम discuss करेंगे if k equal to 0, यहाँ पे आप फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए k को 0, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हो ए इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी वाई स्क्वायर, देन इट बिकम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाय ए इंटू वाई स्क्वायर। दिस इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकेंड डिग्री, जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये हमारी होमोजीनियस है, ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड करता है कि रियल बनेगी या इमेजिनरी बनेगी। अब यहाँ पर देखिए बी बाय ए कॉन्स्टेंट, दीज स्ट्रेट लाइन्स आर रियल if a and b are opposite sign, okay, और ये जो straight line है ये आपके पास imaginary बनेगी, imaginary कब, जब a और b same sign के होंगे, if constant a and b are of same sign। तो ये केस हम डिस्कस कर रहे थे जब ए और बी दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो थे। ओके, अब हम केस डिस्कस करेंगे अगर ए बी दोनों जीरो हो जाए या फिर ए जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो चलिए आगे करते हैं, हम इसको सेकंड केस सॉल्व करते हैं इसका। चलिए, केस फर्स्ट हमने किया था, अभी जो हमने केस किया है केस फर्स्ट लिया था हमने कि ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो थे। ओके, केस सेकंड डिस्कस करेंगे either a or b is equal to 0, या तो a equal to 0 हो या फिर हमारा b 0 हो। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि हम a को 0 ले लेते हैं कि मेरा a जो 0 है, यहाँ पे a को 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 पुट करते हैं इक्वेशन हमारी क्या बनती है, देन इक्वेशन थर्ड becomes by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। y और y इन टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए यानी y square और y को, और यहाँ से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे जैसे हमने पिछले वाली क्वेश्चन में बनाया था। b कॉमन निकाल लें यहाँ से, y square plus 2f by by, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2gx plus c equal to 0, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। दिस इज अ y स्क्वायर प्लस किसका बना था, अभी हमने किया था ये f by
बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हम टर्म ऐड करेंगे एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यही सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो आपके बी मल्टीप्लाई में रहेगा, और जैसे ही आप इस दूसरे वाले टर्म से बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर बाय बी प्लस 2gx, एक्स हमारा यहाँ पे, हाँ जी एक्स ही है, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, देन बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस एफ बाय बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे जो एक्स का मल्टीपल है 2g, इसको आप कॉमन ले लीजिए, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि इस टर्म को आप लिखेंगे 2gx प्लस सी माइनस एफ स्क्वायर बाय। अगर हम 2g कॉमन लेंगे, 2g इंटू एक्स प्लस सी, 2g कॉमन लिया है, डिवाइड बाय 2g, एंड यहाँ पे आ जाएगा एफ स्क्वायर बाय 2g इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया 2g कॉमन, तो इसको टर्म को हम लिखेंगे 2g इंटू एक्स प्लस सी बाय 2g एंड माइनस ऑफ एफ स्क्वायर बाय 2g इंटू बी इक्वल टू 0। अब इस b को डिवाइड कर देंगे, थ्रू आउट बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा बी। ओके, देन अगर हम यहाँ पे सेंटर हम चेक करें, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस माइनस एफ बाई बी और इसका स्क्वायर। ठीक है, और आप जो एक्स वाली टर्म है उसको आप राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, या फिर यहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, 2g बाय बी, इसको आप लिखेंगे एक्स माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, और इसको जो अगर हम साइन चेंज कर देंगे इसका, क्योंकि जब हम माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे तो जैसे हमने इसको किया है, माइनस अंदर शिफ्ट करोगे प्लस का हो जाएगा, वापस से वही टर्म आ जाएगी। ओके, यहाँ से हम लिखेंगे इसको एफ बाय एफ स्क्वायर बाय 2gb माइनस ऑफ c बाय 2g एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ये इसलिए करते हैं ताकि हम इसका जो है वो सेंटर पता कर सकें कि कौन से पॉइंट को हम ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉइंट निकल जाएगा यहाँ से आपका। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक वाई स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ पे बनेगा वाई प्लस एफ बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे भी वाई आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट आए हैं इनको हम ओरिजिन पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेंगे, पहले हम एब्सिसा का लिखते हैं, यानी एक्स माइनस में जो, तो पहले आप इस पॉइंट को लिखेंगे एफ स्क्वायर बाय 2gb माइनस सी बाय 2g, और जो ऑर्डिनेट है ये है माइनस एफ बाय बी। इस पॉइंट को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन, इसको आप फिफ्थ ले लीजिए, फोर्थ तक यू थर्ड तक यूज़ किया हमने, फोर्थ ले लेते हैं। ठीक है, या फोर्थ हम फर्स्ट केस में कर चुके हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि फोर्थ आप फर्स्ट केस में कर चुके हो तो फिफ्थ ले लो। देन यहाँ पे अगर ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, देन इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स वाई स्क्वायर, हमने इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, यानी कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 2g बाय बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू 0, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g बाय बी इंटू एक्स, और ये किसकी क्वेश्चन होती है, पैराबोला की। क्या क्वेश्चन पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स, यानी वाई क्वाड्रेटिक में और एक्स लीनियर में। ओके, देन दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ से पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, एंड नेक्स्ट केस में सेम टू सेम अगर हम ले लेते हैं, ये हमने तब निकाला जब हमने ए को 0 लिया है, सिमिलरली सेम केस अगर आप बी को 0 ले लेते हैं, वहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2f बाय, क्योंकि यहाँ पे जो बी वाला है ये 0 हो जाएगा, तो हम एक्स में बनाएंगे। ओके, 2f बाय ए इंटू वाई, यहाँ से इंटरचेंज जाएगा जब हम बी को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। सिमिलरली आपको ये प्रूव करना है जैसे हमने ए के लिए प्रूव किया। देन केस फोर्थ क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम ले लेते हैं ए को 0, ए इक्वल टू 0 और जी जो एक्स का मल्टीपल है,
जी इक्वल टू जीरो। अगर हम ये जीरो ले लेते हैं देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन थर्ड, इसको जीरो रखिए, जी को जीरो रखिए, यहाँ से आ जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। ओके देन यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं, माइनस टू एफ प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि फोर एफ स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर बी सी डिवाइड बाय टू इंटू बी। ओके ये वाई की वैल्यू हो जाएगी, ये रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज रिप्रेजेंट ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके यहाँ पे पैरेलल लाइन जो वो रियल आएंगी, रियल लाइन बनेंगी यहाँ पे, जो पैरेलल लाइन बन रही है इफ जो अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी है फोर एफ स्क्वायर माइनस फोर बी सी, यानी फोर कॉमन निकाल लीजिए, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फोर कॉमन ले लेते हम, एफ स्क्वायर माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज दैट एफ स्क्वायर ग्रेटर हो जाए बी सी से, तो रियल लाइन आएगी और इमेजनरी लाइन्स आएंगी, इमेजनरी आएंगी अगर एफ स्क्वायर लेस देन आ जाए बी सी से। देखते हैं सबसे पहला केस हमने सॉल्व किया है कि अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर हमने केस सॉल्व किया है कि आइदर ए और B इज ज़ीरो, दोनों में से अगर एक जीरो हो देन हमारे पास जो किसको रिप्रेजेंट करेगी क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री इक्वेशन। और थर्ड केस हमने यहाँ पे सॉल्व किया है जो Y में आया था A इक्वल टू जीरो एंड G इक्वल टू जीरो। अब हम फोर्थ केस डिस्कस कर रहे हैं अगर A इक्वल टू B हो जाता है, यहाँ पे A और B को आप इक्वल ले लीजिए तो इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन थर्ड becomes ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहाँ पे और बी कॉन्स्टेंट को इक्वल लेना है आपको, प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल है, ओके और जिसमें एक्स और वाई की टर्म तो हमने सबसे पहले रिड्यूस कर दी, यानी एक्स इंटू वाई की टर्म जिसके अंदर नहीं है इक्वेशन में, तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो वो रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को, ये हमारा आ जाएगा सर्कल, ठीक है। तो सॉरी यहाँ से थे फोर केसेस, तो हमने एक जनरल इक्वेशन के यहाँ पे सारे केसेस डिस्कस किए हैं और एज इट इज़ आपको इनको जो है क्वेश्चंस में यूज़ करना है, तो आर्टिकल बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है आपको, आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो मैं कल करवाऊँगी और करवाऊँगी पूरा का पूरा बेसिक, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के आर्टिकल नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएंगे आपको और आप क्वेश्चंस नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।